So now let us do one question, and that question is a candle is to be placed in front of the concave lens of focal length centimeters, so as to obtain its image at 10 centimeters in front of the lens. First up, calculate the object distance. हमें यहां पर इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक कॉनकेव मिरर के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, कॉनकेव लेंस के। तो कॉनकेव लेंस का सबसे पहला केस हुआ करता था जिसमें ऑब्जेक्ट कहां रहता था, इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता था तो इमेज फोकल लेंथ पे बनती थी, हमने ये चीज देखी। यही सेम हम बात करते हैं दोबारा एक दूसरे केस के लिए, जब ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख देते थे, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे उसकी इमेज बनती हुई दिखती थी, और उसी की बात अपन करते हैं। ये देखिए, तो यहां पर मैं एक रे डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले इस रे डायग्राम से अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट को बेसिकली बनना कहां चाहिए, इमेज को। सी, सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर मैं बना देता हूं ऑप्टिकल सेंटर, तो ये लो ऑप्टिकल सेंटर बना दिए, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। इसके आगे कहीं ना कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा, तो ये लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस कर दिया। एक मैं ऑब्जेक्ट से रे को पैरेलल भेज देता हूं, जिस रे को पैरेलल भेजेंगे वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि वो रे कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। तो ये लो फोकस से पास हो रही है। दूसरी रे को मैं कुछ इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देता हूं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते ही मैंने देखा कि यहां पर मेरी फाइनल इमेज बनती हुई दिख रही है, मुझे इरेक्ट बनती दिख रही है, ठीक है, साथ ही साथ वर्चुअल बनती दिख रही है एंड डिमिनिश्ड बनती दिख रही है, छोटी। क्वेश्चन में बोल रहा है दैट द इमेज इज ऑब्टेंड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो लेंस से 10 सेंटीमीटर पहले ही इमेज बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर और क्या दे रखा है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ भी प्रोवाइडेड है एंड ये जो फोकल लेंथ है इसका, ये जो लेंस है इससे जो डिस्टेंस है दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का जो फोकस यूज में आता है, देखो फोकस यहां पे भी होगा, फोकस यहां पे भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से। कॉनकेव लेंस का जो फोकस यूज में आ रहा है, फोकस इधर भी है, फोकस इधर भी है, बट यूज में कौन सा आ रहा है, लेफ्ट वाला, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड एफ की वैल्यू यहां से आ जाती है -15 सेंटीमीटर। सिमिलरली इमेज जो बनी वो भी 10 सेंटीमीटर पहले बनी, जो यहां पर देख सकते हैं इमेज डिस्टेंस वी इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए यू लिख के क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। क्या लगाएं, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f = 1/v - 1/u। सो 1/u = 1/v - 1/f।
वन अपॉन वी, वी क्या है माइनस 10, एफ क्या है माइनस 15, तो पुट कर देंगे यहां पर 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन माइनस 15, टेकिंग दी एलसीएम वी विल गेट 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एलसीएम लो 30 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां प्लस लिख देते हैं, दिस विल बी 2 एंड माइनस 3। After solving it, we will get U is equal to minus 30 centimeter. इसका मतलब particular question के अंदर मेरा जो object distance है, ये object distance from the optical center कितना है? 30 centimeter. अगर मैं 30 centimeter पे object को रखूंगा, तो उसकी image जो है, वो कहाँ बनेगी? 10 centimeter पे बनेगी। दोबारा देखिए क्या किया? सबसे पहले अपन ने question को पढ़ा, हमने ये पहचाना कि यहाँ पर कौन सा lens है, तो एक concave lens है question में दे रखा है। इस कॉनकेव लेंस को देखने के बाद हमने देखा इसकी फोकल लेंथ कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर है। याद रखो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी तो नेगेटिव ली जाए, फोकल लेंथ को माइनस 15 ले लिया। अब जो इमेज बनी वो इसके सामने ही बनी, क्वेश्चन भी कह रहा है ऑब्टेन इट्स इमेज एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो सामने ही बन रही है। और हमने ये चीज रे डायग्राम से भी देखा था, इसलिए रे डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले केसेस थे वो याद रखने जरूरी इसलिए है, और याद रखने जरूरी इसलिए है क्योंकि ये रे डायग्राम बिना उनको याद किए कैसे बनेगा, ठीक है। हमें इस चीज को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली दूसरी चीज देखिए, ये हमारे पास यहां से कुछ इस तरीके से बन के आया। नाउ नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट, हमने इसके अंदर v की वैल्यू रखी माइनस 10, यू की वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन में पूछा है देखो कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। क्या लगा दिया हमने, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 30 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव सवाल, बहुत ही आसान चीज, ऐसा सेम चीज अपन ने मिरर के अंदर भी देखी थी। फटाफट सबको क्लियर हुआ है तो बताओ यस और नो हैंड रेज करके। फास्ट स्टूडेंट्स फास्ट, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, ताकि ये जो फिनोमेना है, ये जो फंडा है, ये और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, हमें ये करने में दिक्कत ना आए। और इस बार मैं आप लोगों से पूछूंगा कि रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएं तो आप हैंड रेज कर देना, ताकि मुझे भी पता चलता है कि हाँ आपको क्वेश्चन रीड आउट करके समझ में आ गया है, अब अपन क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी, सो क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। कैलकुलेट दी इमेज डिस्टेंस एंड ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का नेचर भी हमें बताना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। तो जितने लोगों को ये डायग्राम, ये क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम कैसे बनाना है समझ में आ चुका है, कैसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी समझ में आ चुका है, तो फटाफट एक बार हैंड रेज करके मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए क्लास में कितने बच्चे अटेंटिव हैं। यस फास्ट, ओके वेरी गुड, यस यस फास्ट फास्ट, फटाफट सभी बच्चे बताएंगे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हैंड रेज नहीं रखना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कोई भी चीज, पूछते ही दो चार बच्चों ने हैंड डाउन कर लिए। चलिए देखिए, नेचर ऑफ इमेज है ना, अपन को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसके बगैर नेचर ऑफ इमेज बता सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, बस हमें लॉजिक पता होना चाहिए, हमें वो टेबल याद होनी चाहिए जो हमने क्लास की शुरुआत में जो टेबल बनाई थी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। चलिए तो मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ एक बार यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देता हूँ, और कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, ठीक है, That is 15 सेंटीमीटर, और ऐसा ही मुझे फोकस यहां पे भी देखने को मिलेगा। चलिए, यस नाउ टेल मी, कौन बता सकता है? यस 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 यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा लेंस मेरे को प्रोवाइडेड है, वो लेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये बता देंगे कि हमारी फोकस पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। हमेशा ये चेक कर लेना कि लेंस कौन सा है, लेंस अगर पता चल गया तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी ये पता चल जाएगा। नेगेटिव हम कॉनकेव के लिए लेते हैं, पॉजिटिव हम कॉनवेक्स के लिए लेते हैं, याद रखना है, नेगेटिव हम कॉनकेव के लिए लेते हैं, पॉजिटिव हम कॉनवेक्स के लिए लेते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लेंसेज एंड मिरर्स। मिरर में भी जाओगे तो देखिए, कॉनकेव मिरर ऐसा आता था और इसकी फोकल लेंथ यहां होती थी, नेगेटिव ही होती थी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा आता था, फोकल लेंथ यहां होती थी, पॉजिटिव होती थी। तो देखिए, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये याद रख लो दिमाग में, कॉन्वेक्स अगर शब्द दिख जाए, क्या दिखे? कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव उठा लो, और अगर कॉनकेव शब्द दिख जाए तो फोकल लेंथ को नेगेटिव उठा लीजिए। उसके बाद तो अपन को बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना। देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा और हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो हमेशा नेगेटिव है चाहे किसी पर कभी केस हो। फिर तो बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, आंसर निकालते ही आपके पास फाइनल आंसर क्लियर। फटाफट बताइए, क्या है क्वेश्चन, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो, बोर्ड में 100% ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, 110% आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फटाफट बताइए, ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस और नो, फास्ट एवरीवन। आज बोल रहा हूं ये 100% बोर्ड में मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100% बोर्ड में मिलेगा, सर्किट सॉल्व करने वाला सवाल 100% बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, याद रखोगे फिर उसके बाद बोलोगे सर ने कहा था, आएगा आएगा। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, वेरी इजी, बहुत आराम से अपन इसको कर सकते हैं। दो चार छोटी सी बातें हैं उनको अपन साइड में लिख लेते हैं, तो यहां पर मैं दो चार छोटी सी जो बातें हैं उनको साइड में लिख लेता हूं। देखिए क्या, दो चार छोटी सी बातें क्या हैं कि अगर मेरे को कहीं पे भी कॉन्वेक्स शब्द देखने को मिल जाए तो कॉन्वेक्स के लिए हमेशा फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लो, कॉनकेव शब्द अगर कहीं पे भी देखा हुआ मिल जाए तो फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव ले लो। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की बात है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की बात है तो इसको हमेशा नेगेटिव लेना है, ये चीजें ऑलवेज एप्लीकेबल रहेंगी। क्यों हमेशा नेगेटिव लेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही पड़ा होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है, इस वजह से इसको नेगेटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स शब्द चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये सबके लिए अप्लाइड है, दोनों के लिए, मिरर के लिए भी एज वेल एज लेंस के लिए भी, दोनों के लिए अप्लीकेबल है ये बात। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, कॉन्वेक्स शब्द कहीं पे भी दिख जाए चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव कहीं पे भी दिख जाए चाहे मिरर चाहे लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव फॉर मिरर एज वेल एज लेंस। अब ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं,
ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन एज वेल एज द हाइट ऑफ इमेज। कौन बच्चा बता सकता है मुझे कि मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? रेज योर हैंड। यस, हु कैन टेल मी हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन एज वेल एज द हाइट? लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। एंड मैं चाहता हूं कि अब जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं इसका आंसर मुझे सभी लोग बता सकते हैं, एवरीवन। इसके जैसा ही है, डायरेक्ट मैं रे डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोग मुझे उससे बताएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ वगैरह क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो जो कोई भी कर लेगा या जिस किसी को भी आ जाएगा वो हैंड रेज करके रखेगा ताकि मैं पूछ सकूं आपसे क्या आंसर है। सी, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के आगे, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, आई हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये जो फोकल लेंथ है, ठीक है, ये कौन सी नेगेटिव होगी और कौन सी पॉजिटिव होगी? हु कैन टेल मी? रेज योर हैंड्स फटाफट। यस पंकज, फॉर्मूला सेज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f है पॉजिटिव तो 1/10, u है नेगेटिव तो 1/25। सही है, ये 1/v के बराबर आ गया। LCM यहां से कितना आ जाता है, 50। सो दिस विल बी 5 - 2 1/v, और v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है, 50/3 पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो कहां है, इमेज डिस्टेंस राइट हैंड साइड में है, यहां पर इस तरीके से। और कितनी है, 50/3। जब 50/3 को अपन सॉल्व करेंगे सो आंसर विल बी 1 एंड दिस विल बी 8। सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे पास इस तरीके से कुछ इमेज डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। इमेज प्रॉपर्टीज जो है, दैट विल बी रियल, इनवर्टेड एंड लास्टली बियॉन्ड सी रखा है, बिटवीन सी एंड एफ बना, ठीक है, तो स्मॉल साइज बनेगी, स्मॉल इन साइज। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो, रेज योर हैंड्स फास्ट। सेम तरीके के क्वेश्चन अपन ने 3 सॉल्व किए क्लास के अंदर, इसी तरीके से अपन ने मिरर इसके अंदर भी सॉल्व किया था। रे डायग्राम्स आपको याद रहने चाहिए, रे डायग्राम्स अगर याद नहीं रहेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दिक्कत होती है, ठीक है। रे डायग्राम अगर नहीं भी याद है तो अपन इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसके बाद अपन डायग्राम के अंदर मेंशन कर सकते हैं सारी चीजों, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले दैट ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है, तो तब तो उसके इसमें तो आपको बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं भी दे रखा है तो आप बनाएंगे तो यू मे गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स, हो सकता है आधा एक मार्क एक्स्ट्रा नहीं होकर के आपको फुल तो जरूर मिले, चाहे आप स्टेप्स में कोई ना कोई गलती कर दो, ठीक है। हो सकता है कि आपने स्टेप में गलती कर दी लेकिन आपने रे डायग्राम बनाया तो यू गेट कंपनसेशन ओवर इन दी रे डायग्राम, ऐसा कभी हो सकता है। तो आप रे डायग्राम तो हमेशा बनाएं, साइंस के अंदर जहां कहीं पे भी डायग्राम्स रिक्वायर्ड है यू मे गेट सम कंपनसेशन कंपनसेटिंग मार्क्स ओवर देयर, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3.5 मिल जाएंगे, नहीं। हो सकता है कि आपने कहीं क्वेश्चन में गलती करी हो तो उसका आधा नंबर या 1/4 नंबर जो कंपनसेटिंग है वो आपको रे डायग्राम या डायग्राम्स के अंदर मिल सकता है, इसीलिए हम डायग्राम बनाने को बोलते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाने की अभी से आदत डालो, याद रखना है सारी चीज। चलिए, सो टुमारो वी विल डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कल अपन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। तो कल की क्लास में आप लोग एनसीईआरटी को ट्राई करके आइए,
एंड एनसीईआरटी को रिवाइज करके आइए। टुमारो यू विल गेट ऑल दी नोट्स, कल आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिर अपन उसके बाद नोट्स को कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे विद ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आज की क्लास में बस अपन इतना ही करते हैं, कोई डाउट आए तो शाम को आप कॉल कर सकते हैं बिटवीन 5 टू 6। चलिए।